नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे दोनों के फेसबुक पेज पर। हम पहुंच गए 16 अगस्त। क्या है आज? संक्रांति। 16 अगस्त को संक्रांति है, सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश है। ओए होए, सुबह की राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत खुश रहें। सावन का ये पावन महीना आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, बाहर लेकर आए, रोमांस लेकर आए। क्या आपको पता है, सावन में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो बारिश में ज़रूर नहा लीजिएगा। सावन की बारिश में नहाने से नेगेटिविटी दूर होती है, सावन की बारिश में नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं, सावन की बारिश में नहाने से शंकर भगवान की कृपा होती है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, सावन में ये बारिश नहीं अमृत बरसता है और सोच को पॉजिटिव करता है। तो जब बहुत तेज झिमझिम झिमझिम बारिश हो तो नहा लेना चाहिए। जो लोग आपस में प्यार करते हैं उन्हें सावन की बारिश में साथ नहाना चाहिए। जो दोस्त बहुत पक्के दोस्त हैं और साथ में ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, दोस्ती उनकी अटल रहे और टूटे ना, उनकी दोस्ती में कोई तीसरा ना आए, उन्हें भी सावन की बारिश में ज़रूर नहाना चाहिए। लेकिन सिंह राशि का सूर्य में प्रवेश, मतलब सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश बहुत खास बात है। संक्रांति हर महीने आती है, बहुत खास होती है संक्रांति। जैसे तो हम ज़्यादातर मकर संक्रांति को ही जानते हैं कि हम दान पुण्य करते हैं, 14 चीज़ों का दान करते हैं। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि अगर हर महीने हम संक्रांति का व्रत रखें तो हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर हम हर महीने संक्रांति पर दान करें तो हमारे कर्जे उतर सकते हैं। अगर हर महीने हम संक्रांति पर सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, सूर्य के लिए दान करें तो ओए होए, जीवन में हमारा सूर्य उचका हो जाता है। सूर्य जो हमारे जीवन में आत्मा का रूप है, सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करता है उसे संक्रांति कहते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है और ये दान ब्राह्मण को दिया जाए या जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए। खासकर संक्रांति में गुड़ और गेहूं का दान विशेषकर महत्वपूर्ण होता है। आज आपको विजय तिलक के लिए, अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए अपने पिता के माथे पर तिलक लगाना चाहिए, चंदन का, केसर का या कुमकुम का, और ब्राह्मण के माथे पर भी लगाना चाहिए। आज जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए उन्हें ये 7 काम करने चाहिए। तो भाई वो 7 काम नोट कर लीजिए जिन्हें सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। तो अगर आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम्स हैं, अगर आने वाले टाइम में आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन है, और अगर आपके आने वाले टाइम में कुछ भी बहुत खास होने वाला है, तो आप अगर ये 7 काम आज के दिन कर लें या इनमें से कोई एक भी काम कर लें तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले और आपकी ज़िंदगी हो जाएगी खूबसूरत। पिता के पैर छूकर माथे पर विजय तिलक उनके ज़रूर करें और पिता को अपने हाथ से कुछ मीठा खिलाएं, और मीठे में अगर गुड़ खिलाएं तो ओए होए। आज लाल गाय को गुड़ की बनी हुई 2 रोटियां ज़रूर खिलाएं। आज सूर्य को जल ज़रूर दें, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम ज़रूर करें। आज लाल कपड़े ज़रूर पहनें। आज लाल मसूर की दाल खाने में ज़रूर खाएं। आज लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पण ज़रूर करें। आज अदरक, नमक और तेल का सेवन ना करें। आज व्रत संभवतः हो सके तो रखें, नहीं तो जिसने व्रत रखा है उसको कुछ मीठा ज़रूर खिलाएं। आज गुलाब का इत्र ज़रूर लगाएं और आज सूरज को जल देते वक्त उसमें थोड़ी सी रोली और गुलाब की पत्तियां ज़रूर डालें। आज ओम सूर्याय नमः का जाप ज़रूर करें। आप आज हनुमान जी के मंदिर भी ज़रूर जाएं और हनुमान जी को प्रणाम करें। सूर्य की पूजा संक्रांति, वो भी सोमवार वाले दिन पड़ रही हो और सावन का सोमवार हो, तो उसके महत्व अपने आप में कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब राजा निकलता है तो वो देखता है उसके वेलकम के लिए कौन खड़ा है। तो आपसे निवेदन है, वैसे भी सावन का सोमवार है और वैसे भी संक्रांत है, सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठकर अपने कार्य करें तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है और नए नए तोहफे और नए नए सरप्राइजेस लेकर आ सकती है। हर संक्रांत पर व्रत रखना शुरू करना है तो आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने संक्रांत के व्रत 1 साल के लिए उठा लीजिए। मन्नत मांगकर, आपका कोई अपना हो जिसे सरकारी नौकरी ना मिल रही हो तो आप उसके लिए भी ये व्रत उठा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। पॉजिटिव रहें, खुश रहें और आपको आज के सावन के सोमवार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी और फिर से आ गया सावन का महीना। अब सावन का महीना आया है तो आपके लिए मैं महामृत्युंजय की पूजा कराऊंगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे। इस बार मैं आपके लिए और भी बड़ा सरप्राइज लेकर आई हूं। आप तुरंत पेन और कागज़ उठाएं। पेन लाल रंग का होना चाहिए और कागज़ सफ़ेद रंग का होना चाहिए। और आपका नाम लिखकर अपनी जो भी विश है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 विश, जो भी विश है उसे इस कागज़ पर लिख दीजिए और इस कागज़ को इस तरह से मोड़ दीजिए। फिर इस कागज़ को दोबारा इस तरह से मोड़िए और मोड़ने के बाद ये जो पवित्र धागा है मूली का, इसके ऊपर इस तरह से बांध दीजिए, ठीक है, इस तरह से बांध दीजिए और इस धागे को फिर तोड़ लीजिए। अब ये आपकी विश, मन्नत,
आपके नाम और गोत्र के साथ हम तक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोरियर कर पहुंचा दीजिए। और ये मेरा एड्रेस है, दिस इज़ माय कंप्लीट एड्रेस विद माय फ़ोन नंबर्स। जितनी जल्दी हो ये सावन से पहले आपके नाम और आपकी विश पहुंच जानी चाहिए। हम आपकी विश नहीं खोलेंगे, हम आपकी विश बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इस बार मैं आप लोगों के लिए करवाने जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा। 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, उनका महाबड़ा एक बहुत बड़ी स्वरूप में पूजा होगी, रुद्राभिषेक होगा। लाइव जुड़ूंगी आपके साथ और आपकी पूजा के बाद उन 12 ज्योतिर्लिंगों पर आपका ये धागा खोलकर आपके इस कागज़ और विष को मिट्टी के शिवलिंग पर चिपका दिया जाएगा, सीधा संपर्क भगवान से। और हम आपकी महाबारह ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराएंगे, जो हर इंसान का कराना एक सपना होता है, जिसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है। मिट्टी के 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, उनका श्रृंगार आएगा, उनकी आँखें आएंगी और उनके ऊपर समस्त चीज़ें अर्पण की जाएंगी। इसमें आपको अपने कागज़ के अंदर 104 रुपये आपको डालकर भेजने हैं। और प्लीज़ बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे भेजेंगे तो हम वो पैसे आपके अकाउंट में वापस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आपकी विश, आपके पैसे जिस दिन पूजा है उसी दिन खोले जाएंगे, उससे पहले नहीं खोले जाएंगे और आप ही के पैसे से ये पूजा कराई जाएगी। इस बड़ी पूजा का हिस्सा बनने के लिए आप जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें। आपकी विशेस का इंतज़ार रहेगा और विशेस आपकी उसी दिन पूजा पर खुलेंगी। किस दिन होगी ये पूजा, ये जानकारी आपको मेरे चैनल पर जल्द से जल्द मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल खत लिखना भेजिए। और हाँ, अगर पैसे नहीं हैं आपके पास तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पैसे भेजने कंपलसरी हैं। मैं हूँ ना, अगर जिनके पास पैसे नहीं है उनके पैसे मैं अपने परिवार की तरफ से खुद दूंगी, क्योंकि ये पूजा आपके भेजे हुए सब लोग भी पैसे भेज दे तो भी नहीं हो सकती, बड़ी पूजा बड़ा खर्चा है। बस मैं चाहती हूँ आपकी कमाई, आपका पैसा शिवलिंग पर सीधा जाए, पंडितों के पास जाए और आपको उसका फल पूरी तरह से मिले। तो जो भी आप कर सकते हैं, 4 रुपए भी भेज सकते हैं तो 4 रुपए भेज दीजिए, लेकिन आप देने में समर्थ हैं और आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कंजूसी करेंगे तो ऊपर वाला भी कंजूसी करेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जल्द से जल्द अपनी विश बड़े खूबसूरत लाल रंग के पेन से लिख कर और मोली से बांध कर सफ़ेद कागज़ में जितनी जल्दी हमारे पास भिजवा सकते हैं उतनी जल्दी भिजवा दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।